दोस्तों हम बात करें सेकंड टेस्ट पे जो कि स्टार्ट हो चुका है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट के बीच। दोस्तों आज जिम्बाब्वे ने टॉस जीता पहले फैसला के बैटिंग का, जब जिम्बाब्वे अभी बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खो चुके हैं 55 पे, गुड्डीस ओवर हुए समाप्त। दोस्तों 12 से 16 चलने वाला वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ जिम्बाब्वे कप टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच जो कि बुलवायो में अब आज से शुरू हो चुका है। डे फर्स्ट का सेशन फर्स्ट शुरू हो चुका है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला। डे 1 2.97 चली करंट 100। दोस्तों लास्ट 71.3 ओवर हो चुके हैं, लास्ट 10 ओवर है, 39 पे 3 विकेट गिरे थे अभी लास्ट 10 ओवर में। दोस्तों ये बात करने वाले जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला 20 ओवर का मैच है। यहाँ पे बात करने वाला टेस्ट मैच जो सेकंड यानी जिम्बाब्वे की बैटिंग है, अपन देखते हैं जिम्बाब्वे के फर्स्ट इनिंग बने हैं दोस्तों बैटिंग में। दोस्तों मैकोनी की बात करें, दोस्तों मैकोनी आए बल्लेबाजी करने के लिए किया के साथ मौसम किया, आज 2 दिन पहले 1 नंबर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे मैकोनी पहले आया इनोसेंट किया, दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैकोनी 0 पे अपना विकेट गिराया, दूसरे गेंद पे द सिल्वा ने कह सब का 24 गेंदों में 0 रन बनाए थे उन्होंने और विकेट गिराते हुए चलते बने क्रीज से इनोसेंट किया है। और 38 रन की पारी के लिए शानदार 52 गेंदों में 5 चौके आए उनके बल्ले से, 73.07 स्ट्राइक्स रन आ रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन 52 पे 38 पर अपना विकेट गिराया होल्डर के हाथों से मयर ने कैच लपका, और होल्डर गेंद से मयर ने कैच लपका इनोसेंट किया, 38 रन पर बनते अपना विकेट गिराया। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे चामोची बाबा की, दोस्तों चामोची बाबा भी इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, 10 रन पे अपना विकेट गिराया था होल्डर गेंद पे। चंद्र पवन ने कैच लपका, आसान कैच था चामोची बाबा का, बाहर किनारा खेला था लेकिन लेग साइड में ऑफ साइड खेला गया छोट, और यहाँ पर बाबा को 10 रन पर अपना विकेट गिराना पड़ा होल्डर की गेंद पे। चंद्र पवन ने 20 गेंद में 10 रन बनाए थे, 2 चौके आए इन्हें बल्ले से, 50 गिरे थे स्ट्राइक रेट। दोस्तों बात करने वाले हैं मैकोनी की, तो मैकोनी यहाँ पर दोस्तों 24 गेंदों में 0 पे स्टम्पिंग किया, सिल्वर स्टम्पिंग किया था 10 गेंद पे इनोसेंट किया, 52 गेंदों में 38 रन बनाए थे होल्डर गेंद मैकोनी, मेयर ने कैच लपका, कैच लपका हुआ यहाँ पे 52 गेंदों में 38 पे अपना विकेट गिराना पड़ा। चम्मच बाबा 20 रन की पारी खेली, 10 गेंदों में 2 चौके आए इनके बल्ले से, 50 गिरे स्ट्राइक रेट होल्डर गेंद पे। चंद्र पवन ने कैच लपका यहाँ पे 10 रन पर आउट किया। दोस्त जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मुख्य दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, आज से बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा है चामोची बाबा की बात करें। दोस्तों 10 रन की पारी खेली थी 20 गेंदों में, यहाँ पर 2 पे अपना विकेट गंवाना पड़ा। दोस्तों 4 धोखे लगाए थे, परफॉर्म बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे ची बाबा का, 20 गेंदों में 10 रन बनाए थे, लेकिन शोल्डर गेंद पर चंद्र पवन कैच लपका यहाँ पर आउट हुए। दोस्तों इवन को नॉट आउट है, अभी क्रीज मौजूद है और शंभू मिल्टन सुम्बा के साथ दोनों 4 और 2 की पारी खेल चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच तो मैच ड्रो हुआ, दोनों टीमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, मैच एंड में ड्रो हुआ था, बहुत ही अच्छा वेस्ट इंडीज ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, उसके पीछा करते थे जिम्बाब्वे ने भी उसके पास पहुंचा, लेकिन मैच को ड्रो करके ही माना। यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे के बीच का दूसरा टेस्ट मैच है जो डे फर्स्ट की हाईलाइट। दोस्तों टोटल 55 पे 3 विकेट गिरे थे 19 ओवर में 2.97, कोई एक्स्ट्रा ब्लैक विकेट मिल्टन सुम्बा 2 रन की पारी खेली, नॉट आउट करके इवन 2-4 रन की पारी खेली, कैप्टन 10 गेंदों में 4 रन बनाए थे, 5 गेंदों में 2 रन बनाए, और 20 गेंद 10 रन बनाए थे, 55 में 3 विकेट 20 पारी 2.97 की स्ट्राइक रेट। दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे बॉलिंग की स्पर्श रही वेस्ट इंडीज़ टीम की, अभी तक मैच में 20 ओवर डाले थे, 20 ओवर में किस तरह परफॉर्म रहा है, 55 पे 3 विकेट टोटल मिल्टन सुम्बा 2 रन यहाँ पे बना के आउट हुए थे। दोस्तों यहाँ पर क्रीज मौजूद है अभी। दोस्तों बात करें बॉलिंग परफॉर्म देखते हैं, ए टू बैटिंग बाकी है, देखिए ताफा दरवाजा, तेसिगा, ब्रांडन मोता, डोनाल्ड त्रिपानो, वेलिंगटन, मोसाक दजा, विक्टर नायची, चुनका चिवंगा। दोस्तों यहाँ बल्लेबाजी करने आएंगे ये सारे बल्लेबाज, संतरा लाएंगे क्यों फॉलो विकेट 16 पहला विकेट तनु उन्वा मैकोनी 10वीं पहली गेंद पे 48 दूसरा विकेट चम्मू चिबाबा 16वीं चौथी गेंद पे 49 पे 3 विकेट इनोसेंट किया गया 18 ओवर की पहली गेंद पे। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बॉलिंग की, अलजा जोसेफ 6 ओवर में 1 निकाला, मैंने निकाला 22 रन 1 विकेट लिया, 3.6 इकोनॉमी 5 गेंद नहीं डाली, सोलन गैब्रियल दोस्तों 4 ओवर में 2 मेडल 12 रन 3 की इकोनॉमी। दोस्तों अलजा जोसेफ का बहुत ही अच्छा फोन है, 6 ओवर डाले थे 1 मेडल निकाला 22 रन देते और बड़ा विकेट ले भी लिया था यहाँ पे 3.6 इकोनॉमी 1 वाइड गेंद। उसके बाद शनानो गैब्रियल, दोस्तों गैब्रियल 4 ओवर में 2 मेडल निकाले 12 रन दिए 12 गेंद 12 रन, बहुत अच्छा फोन 3 की थी उनकी इकोनॉमी। दोस्तों बात करना चाहिए यहाँ पर 16वां पहला विकेट 48 दूसरा विकेट 49 तीसरा विकेट यहाँ पे 18 गिर चुके हैं अभी
अभी जिम्बाब्वे टीम के बॉलिंग में अजय जोसेफ का बहुत अच्छा परफॉर्म, 6 ओवर में 1 मेडल, 22 रन, 1 3 पर 6 इकोनॉमी। सनॉन गैब्रियल 4 ओवर में 2 मेडल, 12 रन, यहाँ पर 203 की ही इकोनॉमी, यहाँ पे 16 विकेट, 16 पहला विकेट गिरा है, 48 विकेट, यहाँ पे 49 विकेट। दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे बैटिंग परफॉर्म किस, जो होल्डर 5 ओवर में 2 मेडल, 8 रन, 2 विकेट, बहुत अच्छा परफॉर्म होल्डर द्वारा, 1 पर 16 की इकोनॉमी। वो यहाँ बात करने वाले हैं मोती की, 4 ओवर में से 13 रन, 3 पर 71 की इकोनॉमी। दोस्तों यहाँ पे सनॉन गैब्रियल 2-4 रन, 2 मेडल, 12 रन दिए थे, 3 की इकोनॉमी। जो होल्डर दोस्तों 5 ओवर में से 2 मेडल निकले, 8 रन दिखे, 2 विकेट, 1 पर 60 की इकोनॉमी, 2 विकेट लिए थे उन्होंने और 2 मेडल निकले, 8 रन दिए। इधर गुजरात के मोती बात करते 4 ओवर में 13 रन देखे, 3 पर 71 इकोनॉमी। वेस्ट इंडीज टीम पर करेगो वाइट कैप्टन, चंदू पावल, रेमन फेफर, जर्मी वॉलकवुड, गेली मेयर्स, रोस्टन चीज, जसुद सिल्वा विकेट कीपर है, जसन होल्डर, अलजा जोसेफ तक बैटिंग होती है यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम की। बहुत बल्लेबाज हट के हिसाब से लास्ट में खेलने के बहुत ही बॉलर भी अपना परफॉर्म अच्छे दिखाते हैं यहाँ पे। खुद का स्मोटी सुंदन गैब्रियल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं इस मैच में, वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच सेकंड मैच, दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच आज फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट है। दोस्तों किस तरह आज के मैच दोनों टीमों के बहुत ही शानदार खेला जा रहा है, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता पहले फैसले किया बैटिंग का, शानदार फैसला वेस्ट इंडीज टीम का करेगा बस वाइज कैप्टन दोस्तों से, बहुत ही अच्छा परफॉर्म होल्डर, 2 विकेट लिए, 2-5 ओवर में 2। दोस्तों इस तरह से आज का मैच दोनों टीमों बहुत ही शानदार खेला जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।